जी बैठिए, बैठकर इत्मीनान से बताइए कि आप ऐसी कौन सी जरूरी बात अकेले में करना चाहते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, पता नहीं कहाँ बवाल चल रहा है देश में। मैडम सर, नहीं आजकल हर एक दूसरा आदमी ना मैडम सर जूता का कंपनी खोल के बैठा हुआ है। मैडम सर, हमको तो लगता है कि दुनिया में उतना आदमी नहीं जितना ये लोग जूता बना दिया है। अब आप खुद ही देखिए ना, कितना सारा एप्लीकेशन आया है जूता के टेंडर के लिए। देखिए देखिए देखिए, आप खुद ही देखिए। सॉरी सॉरी मैडम, आप क्या कह रहे थे? आप इनके सामने बोल सकते हैं। क्या बात है मैडम, अभी तक टेंडर खुला नहीं है। मतलब? मतलब ये कि समझदार के साथ डील करने का अलग ही फायदा है। नो टाइम वेस्ट, डायरेक्ट पॉइंट पर। तो आइए फिर पॉइंट पर। जवाब ये है मैडम, ये आपके लिए। कहा है सस्ता कबीर सिंह, जूता होगा मैडम सर। बदनाम भाई। बोलो भाई। यार सोच रहे, 15 अगस्त आ रहा है। यार हमारा देश आजाद हुआ था, इसी मुबारक मौके पर काश हमारी ये जो टीचर लाइफ है ना, इससे भी हमें आजादी मिल जाती। ऐसे आसमान से नोटों की बारिश होते को ना शुरू हो जाए, नोटों की गड्डी आकर टपाक से हमारी गोद। क्या कहा तुमने? नोटों का बारिश होगा आसमान से? तुम्हारे चाचा गए थे ऊपर बादलों की टंकी में नोटों के पुलंदे भरने? जो तुम बोलोगे और धन वर्षा हो जाएगा। जय 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 जय। हाँ बकैती कम करो, काम ज्यादा करो। हाँ हाँ काम करो। हेलो। है तो क्या हो गया? निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, शर्म नहीं आती रिश्वत देते हुए? आज के बाद इस थाने के बाहर दिखाई दिए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहे हैं। मैडम सर को रिश्वत दे रहे थे? नालायक, बेहुदा, नहायत ही घटिया आदमी, मेरा मुंह का तक। निकलो यहाँ से। निकलो। जा रहे ना। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं तुम्हारे? जो तुम सीधा हसीना मैडम के पास पहुंच गए रिश्वत देने। नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा, कसम दिया हुआ उन्होंने हमें, इसलिए हमारा जो एक्शन मूड है ना अभी थोड़ा छुट्टी पे गया है, वरना वो सुताई करते ना कि जब जब करवट लेते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम साना देखा। क्या समझे? हाँ सर, समझ गए जी, समझ गए। चलो कटो। हाँ जा रहे हैं। हमारे पैसे? कौन सा पैसा? अरे मैडम ने खिड़की से बाहर फेंके है ना, यही कहीं थे। अमाओ आसमान के लुटेरो, वो धन वर्षा हुआ ना अभी, लौटा। कौन पैसा? कब गिरा? नहीं है पैसे। कसम से ये पकड़ो अपना काला पैसा और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो अगर हमारा बर्दाश्त का छुट्टी कैंसिल हो जाएगा ना तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जी सर, पुलिस वालों के नए जूतों के लिए जो टेंडर इशू करना था वो हमने कर दिया है। हमने बहुत सारी कंपनीज को चेक किया और हमें लगता है कि इस बार भी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें फैंसी शूज कंपनी को ही देना चाहिए। ये वही कंपनी है जो बहुत सालों से पुलिस के जूते ऑलरेडी बना रही है। भरोसेमंद कंपनी है, जाने मानी विदेशी ब्रांडेड कंपनी है, उनकी शूज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कभी कहीं किसी से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और अब इतने सालों बाद वो अपनी क्वालिटी खराब करके अपना नाम तो खराब करेंगे नहीं, तो हमें लगता है कि इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे देना चाहिए। हम, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें चुना है, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अरे बिल्कुल मिस मलिक,
हमें खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। गो अहेड, मेल भेज दीजिए। जी सर, शुक्रिया। एंड सर, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ गए। धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। जय हिंद। संतोष शर्मा, टेंडर के लिए। कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑफिशियल पेपर है वो डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए, ठीक है? जी मैम। ग्रेट। और कुछ? जय हिंद। जय हिंद। झंडा प्यारा ये क्या कॉल है? सॉरी। कितनी बार तुमको बोला वो गैप नहीं आना चाहिए, उसको अच्छे से भरो, अच्छे से करो। का तुमको देख रहे, एक घंटे से एक ही गुब्बारा फुगा रही हो तुम। हमको तो लग रहा है फंक्शन तक ना तुम एक भी गुब्बारा फुगा नहीं पाओगी। और फिर तुमको अगर कोई जड़ बुद्धि बोल देता है तो तुम चिर में आ जाती हो। मैडम अब इनका बारी, इनको बोलिए। तो हम कर देंगे ना दूसरा। अब जय मैडम। संभल के। गिर रहे थे, संभल गए। लगता है यहाँ पर तैयारियां बहुत जोश में चल रही है। गुड गुड जॉब करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप ही ने कहा ना कि 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के दिल से निकला दिन है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल से तैयारियां हो जाए इस दिन के लिए। और ये प्रे कर रहे हैं कि तैयारियां होने तक कोई नया केस ना आए, वरना सब अटक जाए। करेक्ट संतु जी। नहीं मतलब मैडम सर, ये बात भी सही है ना कि पूरा देश में जितना भी लोग है सबको किसी ना किसी एक मौका पर छुट्टी मिलता ही है। एक हम लोग का डिपार्टमेंट है, हम लोग को 365 दिन एकदम दिल से दिमाग से जोर लगा के काम करना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं होता, ना ही 15 अगस्त को, ना ही 26 जनवरी को। ना करिश्मा मैडम, बोलिए कोई गलत बात कर रहे हो तो हम। हाँ बात तो सही बोली है, दे देते तुमको छुट्टी। हाँ थैंक यू मैडम। हाँ तुमको लंबा छुट्टी देते हम, तुम्हारा ट्रांसफर कर देते हैं जंगल बिहड़ की चौकी में। और जानवरों के साथ अपना छुट्टी पे छुट्टी बनाना। हाँ ठीक है। नहीं मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई चीज है कि नहीं है? सब लोग छुट्टी इसलिए मना पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे पुलिस फोर्स खड़ा है उनकी सुरक्षा के लिए। अब हम ही लोग छुट्टी ले लेंगे तो उनका सुरक्षा कौन करेगा, बताओ भैया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह। खासकर 15 अगस्त का दिन, हमारी आजादी का सुनहरा दिन, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए इतना बड़ा और गौरव का दिन। इस दिन लोगों को एहसास होना ही चाहिए कि वो सही मायनों में आजाद है। अब उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब कोई भी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ हम हैं, हमारी पुलिस फोर्स है जिसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है उनकी सुरक्षा के लिए, और इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। इस दिन तो एहसास होना जरूरी है कि अब हमारा देश सही मायनों में आजाद है और अब हमारे देश के लोग इस आजादी को खुलकर महसूस कर सकते हैं। कब तक आप इस भ्रम से खुद को बहलाती रहेंगे मैडम? ये जुबानी आजादी है, जहन से हम आज भी गुलाम हैं। जहनी तौर पर आजाद होते तो ये टेंडर फैंसी कंपनी को नहीं मिलता। आप कौन? सुधाकर झा। मेरी भी जूते बनाने की एक छोटी सी कंपनी है मैडम, फर्राटा शूज कंपनी। पुलिस विभाग को जूते सप्लाई करने के लिए जो टेंडर आपके पास पास होने के लिए आए थे, उसमें मैंने भी अप्लाई किया था। बहुत नाम सुना था मैडम आपका और आपके इस थाने का, लेकिन बाबूजी की आज कही हुई कहावत याद आ गई, ऊंची दुकान और फीका पकवान। अरे क्या सुना था आपके बारे में और क्या निकली आप? हे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किए थे ना यहाँ दोबारा आने से? हाँ समझ में नहीं आया। बेटा है ये मेरा। हाँ बताइए, इसलिए इतने तिलमिला रहे हैं ये भाई साहब? पहले तो अपने बेटे के हाथों रिश्वत भिजवाई, जब मैडम सर ने लेने से मना कर दिया तो खिसिया गए, इसलिए सारी भड़ास निकालने के लिए यहाँ आ गए।
देखिए भाई साहब, वो तो शुक्र मनाइए कि इसकी उम्र पे तरस खा के मैडम सर ने उसको ऐसे ही जाने दिया, वरना इसकी जगह कोई और होता ना तो थाना प्रभारी को रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुका होता। ये यहाँ रिश्वत देने नहीं, परखने आया था। हसीना मैडम की ईमानदारी के बारे में जो बातें सुनी थी वो देखना था, सच कितना है और सुनी सुनाई बातें कितनी है। और जब इन्होंने इसकी रिश्वत ठुकरा दी तो लगा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। और हम जैसे बेशुमार कारीगरों को जो सालों से इस कोशिश में लगे हैं कि अपने देश में अपनी देसी कंपनियों को एक पहचान और सम्मान दिला पाएं, हमें लगा वो आप ही के द्वारा हमें मिल पाएगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप भी औरों जैसी निकली, बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे आपने बड़ी कंपनी का रॉब खाकर उस फैंसी कंपनी को टेंडर दे दिया। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है महोदय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमको लगता है आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपको शायद आपका हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसलिए आप। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया जो होना था वो हो गया, टेंडर किसी और को मिल गया, आप ये सब भुला के आगे बढ़िए। 15 अगस्त आ रहा है, थाने में बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप ये जो तमाशा है ये बाहर जाके कीजिए, यहाँ से आप जा सकते हैं। चला जाऊंगा मैडम, बस एक सवाल का जवाब हसीना मैडम से सुनना है। फैंसी सूज कंपनी ही क्यों मैडम, आपने उस कंपनी को ही ऑर्डर क्यों दिया? अपने देश की इतनी काबिल और अच्छी कंपनियां थी उसको छोड़कर विदेशी कंपनी को चुना आपने? क्योंकि वो एक ब्रांडेड कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है, बहुत सालों से डिपार्टमेंट के जूते वहीं से आ रहे हैं और कभी भी किसी को भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं हुई, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए हमें लगा कि वो टेंडर देने लायक है। मैडम जिस कंपनी पर आपको भरोसा है ना, वो कंपनी हम पर भरोसा करती है। जब आपकी पुलिस के लिए नए जूते सप्लाई होने लगते हैं ना, तब वो हमारा इंतजार करते हैं कि हम उन्हें जूते सप्लाई करें। ये आपके फैंसी लेदर सूज कंपनी के बनाए हुए जूते नहीं है मैडम, ये हमारी फर्राटा कंपनी के बनाए हुए जूते हैं। क्या जी देखो, ये है फैंसी कंपनी के जूते और ये है फर्राटा कंपनी के जूते। और आपके हाथ में ये जूते हैं ना, फैंसी लेदर शूज कंपनी हमसे 100 रुपए में खरीदती है इनको और अपना टैग लगा करके पुलिस डिपार्टमेंट को आगे 200 रुपए में बेचती है। इस विदेशी कंपनी के जितने प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं ना, वो हमारे देश के कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। और दुर्भाग्य से यही प्रोडक्ट जब हम अपना देसी टैग लगा करके बेचते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, अरे उसकी कोई आधी कीमत नहीं देता है। अपने ही देश में अपने लोगों द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार सिर्फ इसलिए कि हम विदेशी ब्रांड नहीं है, हम बड़े लोग नहीं है, इसलिए हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माफ कीजिए मैडम, हम कितने ही स्वतंत्रता दिवस मना लें, हम अपने आप को कितना ही बरगला लें कि हम आजाद हो गए, लेकिन जब तक इस ब्रांड नाम के सम्मोहन से आप बाहर नहीं आएंगे, अपने देश की हुनर को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। आप मेरी आखिरी उम्मीद थी मैडम, पर अफसोस आपने मुझे ना उम्मीद किया, मुझे नहीं लगता आप कोई और उम्मीद बची है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं सुधाकर झा आम नागरिक सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। और मेरी मौत की जिम्मेदार होंगी मैडम हसीना मलिक आप। क्या सोचा है आपने मैडम सर? पुष्पा जी हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा सिंह ये क्या कर रही है? बहुत हुआ मैडम सर, अब
हम कब से प्रमोशन मांग रहे हैं, लेकिन आप तब से हमारा प्रमोशन टाले जा रही है, लेकिन अब और नहीं। अगर आज आप हमें प्रमोशन नहीं देंगी तो हम आपको शूट कर देंगे। क्या ये क्या कर रही हो बेटा? बहू डायन करिश्मा मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? नीचे रख दी, गन है, गन। करिश्मा मैडम, ये क्या कर रही हैं? ये कोई मुजरिम नहीं, अपनी हसीना मैडम है। रखिए रखिए, नीचे रखिए। अम्मा भाग, हमें पता है हमने किस पे बंदूक ताना हुआ है। मेहरबानी होगा अगर आप सब लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो बंदूक है ना, वो बहुत चंचल टाइप का है, कहीं पे भी घूम सकता है। ये क्या आप हमें धमकी दे रही हैं? हम सास हैं आपके। सास रहेगी तो सास रहेगी ना पुष्पा जी। आपको प्रमोशन चाहिए ना, मैं ऊपर आपके लिए बात करूंगी कि आपको प्रमोशन मिल जाए। यू ट्रस्ट मी मैडम, मैं हूं ना, मैं आपके लिए बात करूंगी, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैडम प्लीज। हमारा मजाक चल रहा है क्या? हमको प्रमोशन चाहिए मैडम सर। अगर आप हमें आज प्रमोशन नहीं देंगी तो या तो हम आपको आज शूट कर देंगे, नहीं तो हम अपना जान ले लेंगे। हम अपना जान ले लेंगे और हमारी जान का जिम्मेदारी होगा मैडम सर पर। हम तीन तक गिनेंगे। एक। अरे ये क्या कर रही हैं आप? दो। नहीं चीते सुन, तू कुछ तो बोलो। मैडम ऐसा मत कीजिए, कम से कम छह तक तो गिनिए। हाँ, नहीं कम से कम दस तक तो गिनिए मैडम प्लीज। हाँ हाँ। तीन। मैडम क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप क्या कर रही हैं? वो बंदा आता है, रिश्वत देने का कोशिश करता है, उससे बात नहीं बनता है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है, उससे भी बात नहीं बनता है तो फिर वो अपनी जान देने की बात करता है, और आप उसके प्रपंच में आ जाती हैं, जैसे अभी आप हमारे प्रपंच में आ गए। मैडम आपने अपना पॉइंट समझाने के लिए मैडम सर को गन पॉइंट पे रखा। माफी चाहते हैं मैडम सर, ये हमने बहुत गलत किया, झूठ मूठ में ही सही हमने आपके ऊपर बंदूक ताना, शर्मिंदा है हम इस दुस्साहस के लिए मैडम सर। लेकिन हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बंदा यहाँ आया था वो आपके अच्छे होने का, आपके जज्बाती होने का, आपके भावुक होने का फायदा उठा रहा है, और वो जीत भी गया है, आप उसके प्रपंच में आ गई हैं मैडम सर। करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, थाना ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो कोई भी अपराधी आकर हमारे सामने इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, हम उसकी बातों में आ जाएंगे। पुलिस कानून अगर ऐसी सबके सामने घुटने टेक देगा बिना जांच पड़ताल किए या बिना ये जाने कि क्या जायज है ना जायज है, ऐसे तो थाना नहीं चलेगा ना मैडम सर। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा आपने उस आदमी को जाने कैसे दिया। वो आत्महत्या का धमकी दे रहा था थाना में आकर हम सबके सामने। ये एक अपराध है, ये गैर कानूनी है, वो हिरासत में होना चाहिए था अभी मैडम सर। हो गया, हम कहें हम ना ही उसकी बेकार की धमकियों से डरे हैं और ना ही हम बेमतलब जज्बाती हो रहे हैं। करिश्मा सिंह, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन जैसा जहर हमारे सिस्टम में कहां कहां तक और क्यों फैला हुआ है, जिसका खामियाजा ये बेचारे गरीब मेहनती कारीगर भुगतते हैं। इनका दर्द कौन समझेगा, इन्हें इनका हक कौन दिलाएगा? और ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा करिश्मा सिंह? और हम ये सब अपने जज्बातों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे थाने के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। उसके लिए कर रहे हैं जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। हम उसे गलत कैसे साबित होने दें, आप बताइए। लाओ एक कप जहर दो इसको, तुम चाय बोलते। अबे चपड़गंज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझे कि नहीं? अगर चाय के पैसे नहीं दिया तो चपड़गंज बाबा मैं जान ले लूंगा। अबे तेरी नहीं, मेरी खुद की जान ले लूंगा और उसका जिम्मेदार होगा तू, समझे कि नहीं? लाओ दो। मैडम ये देगा, हमने कहा दो। अरे मैडम ये क्या आपके सामने रखी है? चाय का बात नहीं कर रहे हैं, तुम जान देने का बात कर रहे थे ना, लाओ जान दो जल्दी जल्दी। अरे अरे मैडम हम तो मजाक करते, मजाक। भाई मैया की सासु मैया, हाँ का मजाक लगता है कि जान देना? जिसको देखो जान देने का बात कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, फायदा उठा रहा है, ये क्या कर दोगे जान देके तुम? इतना इजी लगता है तुमको जान देना? आज के बाद अगर किसी को जान देने का धमकी दिया ना तो मैया कसम बता रहे हम जान ले लेंगे तुम्हारा, समझे? अरे मैडम हाँ समझ गया मैडम, समझ गया। कौन सा देश चौकस होता है हमको बताओ तुम?
कौन सा देश चौकस होता है? नहीं होता है, हमको चौकस बनाना पड़ता है, समझ रहे हो तुम्हारी बात को? और क्या जान देने से क्या हो जाएगा? अच्छा मान लो तुमने जान दे दिया, देश तो क्या तुम्हारा चाय कठिया का भी कुछ नहीं बदलेगा। हाँ जान दे दोगे, अगर बदलना है ना तो ये सोच बदलो, खुद का सोच बदलो और दुनिया में आगे बढ़ो। जान देने से कुछ नहीं होगा, तो बाद में। दूसरा चाय लाओ। अदरक वाली स्पेशल चाय। हो गया, पहनिए मैडम से। अब मैडम से मैंने दोनों ही जूतों पर जो है वो सेंसर लगा दिया है, और जो सेंसर है वो मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो आप जैसे ही भागना स्टार्ट करेंगी ना तो इस जूते की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में मुझे इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। ओह रियली? ओके। रीड हो रहा है? हाँ। गुड, चलिए करिश्मा सिंह थोड़ी सी कसरत हो जाए, बाइक निकालिए और आइए हमारे साथ। जी मैडम सिंह। चलो हाँ तो संतू क्या बताया तुम्हारे इस कुकर ने? यही मैडम के दोनों जूतों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि सुधाकर जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है, कि फैंसी कंपनी हमारे देश के टैलेंटेड लोगों का टैलेंट खरीद के उस पर अपना लेबल लगा के हमें बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना रहे, और हम बेवकूफ़ बन रहे ब्रांडेड चीज़ों के लालच में आके। ये टेंडर फैंसी शू कंपनी को देकर सुधाकर जी जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है मैडम, इस पर आपसे गलती हो गई, आपका जजमेंट गलत निकला। अब क्या करें मैडम सर? अब जो गलती हो गई उसे सुधारेंगे, वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था। पर कैसे मैडम सर, क्योंकि ऑफिशियल मेल तो आपकी तरफ से डिपार्टमेंट को जा चुका है। बदलना पड़ेगा, फैसला बदलना पड़ेगा हमें भी और डिपार्टमेंट को भी। नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत गलत हो जाएगा, सब आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे, सबको लगेगा कि आप गलत फैसला लेती हैं, सही फैसला लेने के सक्षम नहीं। आप समझिए हमारी बात को, और गलती से ये बात मीडिया तक पहुँच गया फिर तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी अभी के लिए हमें क्या लगता है कि मामला रहने देते हैं, बाद में निपटा लेंगे ना मैडम सर? हाँ नहीं करिश्मा सिंह, मामला तो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन तब तक हम खुद को आईने में कैसे देखेंगे? ये जानते हुए कि हमने गलत फैसला लिया है और अब जो होने वाला है वो उससे भी गलत है, हम खामोश नहीं रह सकते और इस बोझ के साथ नहीं रह सकते, और इसके साथ स्वतंत्रता दिवस तो बिल्कुल नहीं मना सकते। अब तो ये लड़ाई छिड़ गई है, जो होगा देखेंगे।